पाकिस्तान में भी रहा कानपुर से गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक। बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को लेकर शुरुआती जांच में ही पुलिस को इतनी जानकारियां मिल गई हैं, इसके बाद उसके देश विरोधी गतिविधियों और हवाला कारोबार में लिप्त होने का पूरा अंदेशा है। बड़ी बात ये है कि रिजवान अब तक भारत, पाकिस्तान सहित 6 देशों की यात्रा कर चुका है। पुलिस इन यात्राओं से जुड़ी जानकारियां एकत्र करने की कोशिश कर रही है ताकि और पुख्ता साक्ष्य जुटाए जा सके। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि रिजवान ने 2 बार पाकिस्तान की भी यात्रा की है। इसके अलावा वह नेपाल, मलेशिया, मालदीव और थाईलैंड की भी यात्रा कर चुका है। उसने इन देशों में लंबा वक्त भी बिताया है। पूछताछ में रिजवान ने खुद को MBBS डॉक्टर बताया है, लेकिन वह कहीं प्रैक्टिस नहीं करता है क्योंकि परिवार का खर्चा लाखों में है। परिवार कितना शाही जीवन जी रहा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंपीरियल अपार्टमेंट के जिस फ्लैट में वह रहता था उसका किराया 40,000 रुपए है। सबसे बड़ी बेटी है जो कि स्नातक की पढ़ाई कर रही है, जबकि अन्य 2 बेटों शहर के एक बड़े स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसकी फीस हजारों में है। पत्नी के पास जिस तरह जेवरात मिले हैं उससे भी उसकी शाही जीवन शैली का पता चला है। इसके अलावा $1,000 और 14.56 लाख रुपए की नकदी की बरामदगी से बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपित के संबंध हवाला कारोबारियों से है, इसे लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जिस तरह से उसके द्वारा फर्जी और फुटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं उससे भी उसकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का पूरा अंदेशा है।